हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सब लोग? आई थिंक सभी ठीक होंगे। तो आज है 23 अगस्त को जा रहा हूँ और पैरट वगैरह कितनी अच्छी आवाज़ कर रहे हैं यहाँ पे। यही तो फ़र्क है गांव और शहर में कि सुबह सुबह इनकी आवाज़ सुनने को मिल जाती है। और वो बैठे हुए हैं, देखो कितने सारे हैं। फिर पैरट देखने को मिलते नहीं, अब बहुत कम मिलते हैं। मम्मी ने इधर साफ़ सफाई की है और मैं खेत को लेट हो चुका हूँ फिर से। आज पास से दिखाता हूँ आपको। ये नीम है, नीम के ऊपर लगी हुई है ग्लो, जो कि बहुत मुश्किल से मिलती है ऐसी ग्लो। तो ये ग्लो को अगर आप पानी उबाल के पीते हैं बहुत अच्छी रहती है। तो ये रे पैरट, तो कितने सारे बैठे हुए हैं, साउंड भी सुन रही होगी आपको सभी को। सुबह सुबह सुनने में अच्छी लगती है बहुत। ये जो ये पाइप नहीं है, ये खम्बा BSNL का, इसमें ये यहाँ पे बैठा हुआ ना, इसके अंदर अंडे देते हैं और इस पे बच्चे होते हैं। जब बचपन से ये इसी में देते हैं अंडे। जब मैं देख के आता हूँ इसके साथ, मैं साउंड सुनता हूँ इनकी, कान लगा के ना इसके अंदर, उसको जा रहा अंदर। ये बैठा हुआ अंदर जाने वाला। अब चलो चलते हैं खेत को, इधर साफ सफाई कर रहे हैं पूरी। तो अभी खेत में आ चुका हूँ। तो सुबह ही इतनी तीखी धूप हो चुकी है। तो आपको आज बताता हूँ कि एडवांस में हमने प्याज लगा दिया और इतना इतना बड़ा भी हो गया है। ये देख सकते हो प्याज, ये एडवांस में हमने रेडी कर दिया है। जो अभी लगेगा ना, इसके बाद लगेगा, ये कच्चा प्याज बिकेगा फिर आगे आगे, जो चटनी के लिए होता है ना। देख सकते हो आप से आगे बना, ये मैंने थोड़ी छोटी सी छत, ग्रीन हाउस रेडी हो गया। मैंने बस इस पे नेट ही डाला है, बाकी तो मैंने ये सारा पिछले साल ही तैयार करके रखा है। नेट डाला है इसके ऊपर अच्छी खासी, इसको मैंने डबल करके नेट दिया। ये ना डबल है नेट, सिंगल है। सिंगल होता तो थोड़ी सी हल्की सी धूप अंदर आ जानी थी, अब बिल्कुल भी नहीं आ रही। बैकग्राउंड इसके साथ कई यूज़ करते हैं इसको, ग्रीन नेट को बैकग्राउंड में फोटोशॉप के लिए। मैं आ चुका हूँ घर, क्योंकि मेरे को मार्केट साइड जाना है। पापा बैठे हैं खेत में, तो देखना, कुत्ता हमने घर पे कोई नहीं रखा हुआ। ये कितने सारे बैठे होते हैं, एक ये बैठा हुआ है, एक वो कालू बैठा हुआ है, तो लोग आगे बैठे हुए हैं। ये हमने घर पे एक नहीं रखा हुआ क्योंकि यही बहुत है, तो क्या करना रख के। बैग ले लिया है। तो आप सभी भी कभी भी शॉपिंग करने जाते हैं या कुछ लेने जाते हैं, घर से बैग लेके जाएं, क्योंकि अभी प्लास्टिक लिफाफा बंद कर दिया है, तो आप भी बंद करें उसको यूज़ करना। तो बैग ले लिया, फटाफट चलते हैं अब। मार्केट से आ गया हूँ, तो मैं उसमें प्याज, टमाटर और गोभी के, जो भी गोभी के दो बॉक्स लेके आने थे और टमाटर के 8 पैकेट लेके आने थे, वो लेके आया हूँ। तो अभी धूप भी बहुत ज़्यादा हो रखी है। और इधर ना नोल का बच्चा, नोल ने ही मार दिया, तो रहा दिख नहीं रहा यहाँ पे, ये पड़ा हुआ है। ये पड़ा हुआ बेचारा, मार दिया चारा, वो तड़फ रहा है। ये भाई आया उसका, इसको उठा रहा है। वो उठ उठ के देख रहा है किधर से है, वो किधर है, इन चक भी नहीं सकते असीं, सानू कट लिया तो मर जाना असीं। चल रहे हैं सा, मैं पानी लेके आया हूँ, उसको पानी डालता हूँ। मेरे को तो डर लगता है,
मैं कहता पानी नहीं मर जाने बेचारे तड़फ रहा है बहुत बुरी तरह, इसको हाथ भी नहीं लगा सकता मैं। उसके सिर में ना उसने काट दिया बड़े नोल ने, तो सांस तो ले रहा है, तो जब सिर में ही मतलब पूरा अंदर तक दांत घुसा दिए हैं तो उठ नहीं पा रहा, अब ये सांस चल रहे हैं इसके। उठा के वहाँ से मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है फोड़े के साथ, बचेगा नहीं बढ़िया। यहाँ पे इसके सिर के ऊपर ना उसके चोट लगा दी बहुत बुरी, सांस तो ले रहा है। अभी 12:30 हो चुके हैं, इसके नीचे बिल्कुल ठंडा है, बाहर बहुत ज़्यादा तीखी धूप है। नेवले का दूसरा भाई उसको गर्दन से पकड़ के खींच के दूसरी साइड ले गया उसको, देख लो उसका कितना साथ, उसको वहीं पे छोड़ा नहीं, उसको उठाया और ले गए उसको। तो आज बने हुए हैं शिमला मिर्च और साथ में है दही, रोटी खा के फटाफट चलते हैं अब खेत को। खेत में आके अभी पानी खत्म हो गया था, पानी भरने के लिए आया हूँ। ठंडा ठंडा पानी बिल्कुल, ये दिन रात मोटर अब चल रही है कि बारिश तो हो नहीं रही तो ये पानी दिन रात चल रहा है। तो अभी बारिश नहीं हो रही तो अभी इनको पानी देना ज़रूरी हो गया, कल इनको तो दे दिया, ये तो पूरी हरियाली मार रहे हैं। इनका थोड़ा कलर अभी फीका पड़ चुका है हरा, तो अभी ड्रम भरने हैं, तो ये पाइप मैं वहाँ से वहाँ पर लेके जा रहा हूँ, फिर बड़े वाला पाइप ड्रम में लेके जाना है। बाबा को बुला लिया मैंने। अभी खेत से आ चुका हूँ, मम्मी ने बुनना स्टार्ट कर दिया एक और स्वेटर, तो फटाफट नहाते हैं अब और चलते हैं भाइयों के साथ गेम वगैरह खेलने के लिए, बहुत थक चुका हूँ और नहा के एकदम से फ्रेश हो जाता हूँ। फटाफट चलो अब चलते हैं, नहाते हैं और चलते हैं। तो अभी नहा धो के भाइयों के साथ गेम वगैरह खेल के आया हूँ, तो मम्मी बना रहे हैं खाना। तो आज बनी हुई है मम्मी के अपने पास दाल, मिक्स दाल, चपाती बननी होगी स्टार्ट। आई कहने पंजाबी फुलके, बाकी कहने चपाती हैं। कूलर चल रहा है, नहीं चला है, चला होता कूलर, खराब हो गया, नहीं चलता है ना, बड़े मारना कहने कूलर, हवा थोड़ी चाहिए है। नहीं है। चलो भाई भूख लगी मम्मी, दे रोटी खाइए, रोटी कर। लो जी खाना डल गया है, दाल के साथ साथ में है प्याज, साथ में है मूली। तो अब भी बज चुके हैं 9:30 और खाना वगैरह जैसे ही खाने लगा था उसके थोड़ी देर बाद बारिश बाहर लग गई थी, हल्की सी बारिश हुई है और ठंड हो चुकी है थोड़ी, मतलब बाहर अंदर तो वही गर्मी है, बहुत बुरा हाल है। थोड़ी सी और पड़ जाए रात को तो बहुत अच्छा है। तो सभी मेरे को ना वो पूछ रहे हैं कि आपकी कौन सी वीडियो मतलब वायरल हुई है, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी इंडियन यूट्यूबर गौतम पे जाके देख सकते हो, उस पर मैंने रील्स डाली हैं, वो वायरल हुई है। कल नेक्स्ट वीडियो वैसे में मैं मतलब वीडियो में दिखा दूंगा कि कौन सी वीडियो मेरी वायरल हुई है, तो जाके जरूर देखना इंडियन यूट्यूबर गौतम करके सर्च करके आप भी देख सकते हो रील्स में जाके। तो आज खेत में देखा कि आपने नोल का बच्चा, नोल ने ही उसको मतलब किसी और नोल ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उसको घायल कर दिया था। तो उसके जो भाई थे ना, चार थे नोल पूरे, एक को घायल कर दिया, तीन बचे थे, उसको तीनों ने उठा के साथ में ले गए, पता नहीं कहाँ पे ले गए उसको, उसकी सांसें चल रही थी। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, बाय बाय।